Let's find job. आपके अपने YouTube चैनल Let's Find Jobs में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि BSc सेकेंड ईयर के एग्जामिनेशन चालू हैं MCBU यूनिवर्सिटी में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का पेपर नंबर सेकेंड का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लगातार कमेंट कर रहे हैं कि पेपर नंबर सेकेंड और थर्ड की वीडियो लाई जाए, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पेपर नंबर सेकेंड का फुल सॉल्यूशन जानने वाले हैं। दोस्तों थर्ड का सॉल्यूशन आ रहा है, तो आप दोस्तों चैनल पर बने रहें। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अपने चैनल पर दोस्तों केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन डल गया है दोस्तों, साथ ही फाउंडेशन के तीनों पेपर के भी फुल सॉल्यूशन हैं अपने चैनल पर। अगर दोस्तों अभी तक आपने फाउंडेशन के पेपर का सॉल्यूशन, साथ ही दोस्तों अगर आपने केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर का सॉल्यूशन नहीं किया है, तो दोस्तों आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। दोस्तों आपको इस वीडियो में लघु उत्तरी और एवं दीर्घ उत्तरी के पूरे आंसर बताए जाएंगे। दोस्तों ऑब्जेक्टिव आंसर आपको दोस्तों अपने टेलीग्राम चैनल है लेट्स फाइंड जॉब के नाम से, लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां मैं दोस्तों इनको सॉल्व करके डाल देता हूं। अभी वो दोस्तों मुझे मिले नहीं है, लेकिन जैसे ही मिलते हैं दोस्तों मैं वहां आपको सॉल्व करके डाल देता हूं जो भी आपके शेष क्वेश्चन रह जाते हैं। चलते हैं दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और दोस्तों जानते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों के आंसर। दोस्तों आपका इसमें प्रश्न क्रमांक दूसरा है कि मैंने दोस्तों उसका अथवा वाला किया है कि गॉस विधि से चुंबकीय सुग्राहिता का मापन कैसे किया जाता है। तो मैंने दोस्तों इस वाले प्रश्न का आंसर किया है, तो दोस्तों मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं, तो आप इसे फास्टली नोट कर लीजिए। दोस्तों ये है आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर, तो दोस्तों आप इसे फास्टली नोट कर लीजिए। जैसा कि दोस्तों लिखा हुआ है चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये है दोस्तों बहुत सी इसकी विधियाँ हैं, जैसे ग्रॉस विधि है, फराडे विधि है। लेकिन दोस्तों आपसे जो प्रश्न पूछा गया है कि ग्रॉस विधि के अनुसार आपको इसका सॉल्यूशन करना है चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण का, तो दोस्तों ये इसका सॉल्यूशन, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। फिर दोस्तों आपको इस प्रकार का डायग्राम बनाना है, जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों इस प्रकार को आप एक डायग्राम बनाना है। पर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। यह है इसके आगे आपको दुख लिखना है। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक दूसरे का आंसर है। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अपने चैनल पर लगातार सॉल्यूशन की वीडियो डल रही हैं। दोस्तों आप आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, पर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है। इस प्रकार से आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक दूसरा कंप्लीट होता है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक दो कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक तीन। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक तीन में पूछा गया है क्यूरी बीज नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। दोस्तों आपको क्यूरी बीज नियम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो दोस्तों मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्टली नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये है इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपको इसमें क्यूरी बीज नियम को बताना है, तो दोस्तों ये इसका आंसर आपके प्रश्न क्रमांक ये तीसरे का आंसर है। दोस्तों आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको चैनल पर बिल्कुल सही आंसर दिए जाते हैं, और दोस्तों आपको इसमें कोई भी गलत आंसर नहीं दिया जाता है। अगर दोस्तों जो मुझे नहीं मिलते हैं, तो मैं आपको दोस्तों पहले ही बता देता हूं, या पहले ही आपसे कह देता हूं दोस्तों मुझे इसमें डाउट है, लेकिन जो मुझे इसके क्लियर आंसर मिलते हैं, तो मैं आपके सामने दोस्तों लाता हूं। इसके आगे दोस्तों ये है, तो आप इसे फास्टली नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे यहीं से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको इसे यहीं से लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे आपको इसे लिखना है, पर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, तो आप इसे बार नोट कर लीजिए। क्यूरी ताप, ये सब उस नियम के अंतर्गत आते हैं दोस्तों, तो आप इसे फार नोट करते चलिए। ये आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक तीसरे का आंसर चल रहा है, इसके आगे आपको इसे लिखना है। दोस्तों आप आंसर को थोड़ा बड़ा लिख करके लिखें, क्योंकि ये आंसर थोड़ा दोस्तों बड़े हैं, क्योंकि वैसे भी दोस्तों आप कक्षा 12वीं के बाद जो BSc
स्नातक परीक्षा दे रहे हैं दोस्तों, दोस्तों आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको इसमें लिखने के ही एक प्रकार से ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 4। प्रश्न क्रमांक 4 में दोस्तों आपसे पूछा गया है उप सहसंयोजक यौगिक को उदाहरण सहित समझाइए। दोस्तों आपको इसमें उप सहसंयोजक बंध को उदाहरण सहित समझाना है यौगिक को, तो मैं आपको इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये आपका उपसहसंयोजक यौगिक, दोस्तों ये है आपका उपसहसंयोजक यौगिक के बारे में आपको दोस्तों बताना है। प्रश्न क्रमांक 4 में है दोस्तों ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको आगे ये लिखना है, जैसे लिखा हुआ है रसायन विज्ञान में उपसहसंयोजक यौगिक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसे दोस्तों कहते हैं अपन, तो उन यौगिक को कहते हैं जिनमें कोई परमाणु आयन उसको घेरे हुए अणुओं या आयनों के व्यूह से जुड़ा हो। बहुत से धातु युक्त यौगिक सहसंयोजक यौगिक ही होते हैं। दोस्तों इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फाइव डॉट कर लीजिए। आप डायग्राम को दोस्तों आपके लिए समझने के लिए है ओनली, तो आप इसे ना बनाइएगा, आपको समझने के लिए। इसी आगे दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फाइव नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फाइव नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फाइव नोट कर लीजिए। और दोस्तों आपको इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 4 कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 5। नेक्स्ट प्रश्न क्रमांक 5 में दोस्तों आपसे कह रहा है लेंथेनाइट संकुचन एवं एंथेनाइट संकुचन में दोस्तों आपको अंतर बताना है। तो ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर है इसमें, तो ये इसका फुल सॉल्यूशन, आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपको इस प्रकार की तालिका बनानी है दोस्तों, पॉइंट वाइज पॉइंट है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको आगे इसे लिखना है, इसके आगे दोस्तों आपको आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके दोस्तों आपको आगे इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 5 भी कंप्लीट होता है। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 6 में आपसे कहा जा रहा है कि आर्गेनियस सिद्धांत को समझाइए। तो दोस्तों आपको प्रश्न क्रमांक 6 में आर्गेनियस सिद्धांत को बताना है, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आर्गेनियस का आपको सिद्धांत बताना है, तो ये है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों ये है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों आपको आगे इसे लिखना है, जैसे भी लिखा हुआ है आर्गेनियस का विद्युत अपघटन आयनिक सिद्धांत। दोस्तों आपको आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इतने आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, और दोस्तों आपको आगे इसे लिखना है, और दोस्तों आपको आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों आप वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें, जिससे दोस्तों आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, और दोस्तों आपको आगे इसे लिखना है, इसके आगे दोस्तों आपको आगे इसे लिखना है, और दोस्तों आपको आगे इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 6 कंप्लीट होता है। दोस्तों बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 7 में आपसे पूछा जा रहा है पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग बताइए। तो दोस्तों आपको मैं इसका आंसर दिखा रहा हूँ, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। तो ये दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 में का आंसर, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको पोटेशियम पर मैग्नेट बनाने की विधि बतानी है, पोटेशियम पर मैग्नेट KMnO4। तो दोस्तों ये इसका आंसर, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। पूरी विधि दी है, पॉइंट वाइज पॉइंट इसमें विधि दी है, तो आप दोस्तों इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। और दोस्तों आपका दूसरा पॉइंट है, और दोस्तों ये है, दोस्तों आपके लिए टाइप आंसर लाए जाते हैं, जिससे दोस्तों आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, और दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। और दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, आगे दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फार नोट कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको उपयोग भी बताने हैं। तो ये उपयोग है दोस्तों पोटेशियम परमैंगनेट के, तो पहले का है बेल वाटर का इलाज, पोटेशियम परमैंगनेट से बेल वाटर का इलाज होता है दोस्तों, तो आप इसे फार नोट कर लीजिए।
इसके आगे दूसरा उपयोग आप लिख सकते हैं, चिकित्सा में उपयोग होता है इसका दोस्तों, पोटेशियम परमैंगनेट से समाधान होता है। पोटेशियम परमैंगनेट से समाधान हमेशा बैंगनी से अधिक गुलाबी होने चाहिए। इसके आगे यूज हुए हैं, खुले घाव एवं फफूलों का इलाज होता है पोटेशियम परमैंगनेट से। ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फॉर नोट करते चलिए। इसके आगे ये है, पर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। एथलीन फुट और फंगल संक्रमण का इलाज होता है। तो आपको उपयोग बताने तो ये सब उपयोग हैं, क्योंकि इससे पोटेशियम परमैंगनेट से दोस्तों बहुत ही इलाज जो होते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है एक मारक के रूप में, पर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए एक मारक के रूप में। तीसरा पॉइंट, चौथा है जहर के लिए दोस्तों, पर दोस्तों आपको इसके आगे लिखना है सांप काटने के लिए। दोस्तों आप इसे फास्टली नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। आपका दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 में आंसर चल रहा है। दोस्तों आपसे बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आपसे बहुत इसमें चीज़ें पूछी गई हैं, पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि पूछी गई है, गुड़ पूछे गए, उपयोग पूछे गए हैं, तो इसका आंसर तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। दोस्तों इसके आगे आपको इसे लिखना है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 7 कंप्लीट होता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 8। दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन साथ ही जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डलेगी, जैसे दोस्तों अभी केमिस्ट्री 3rd की डलेगी, और भी दोस्तों सॉल्यूशन डलेगी आपकी, फिजिक्स की डलेगी, मैथ की डलेगी दोस्तों, तो आपके पास वो सॉल्यूशन तुरंत पहुंच जाएंगे। जैसे कि मैं वीडियो डालूंगा तो दोस्तों और आप उस सब्जेक्ट का सोल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतनी मेहनत से आपके लिए आंसर लाए जाते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 8। दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 8 में पूछा गया है संक्षिप्त में समझाइए। आपसे प्रश्न पूछा गया संक्षिप्त में, आपको टिप्पणी देनी है। पहले में दोस्तों आपको बताना है आयनिक त्रिज्या, दूसरे में आपको स्पेक्ट्रम गुण, और तीसरे में दोस्तों आपको त्रिबिंब रसायन। मैं आपको इसे बारी बारी से इनकी संक्षिप्त टिप्पणी दिखाता हूं, तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आगे प्रश्न क्रमांक 8 में का आंसर। दोस्तों आपको प्रश्न क्रमांक 8 में 3 क्वेश्चन करने हैं, छोटे छोटे आपको लिखना है। पहले आपको आयनिक त्रिज्या के बारे में लिखना है, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्टली नोट कर लीजिए। आपका दोस्तों है आंसर, आपको पहले आयनिक त्रिज्या के बारे में बताना है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपके पहले पॉइंट जो आपकी पहली हेडिंग है उसका सॉल्यूशन है, पर दोस्तों आपके आगे आपको इसे लिखना है आयनिक त्रिज्या के अभी आगे ये है, तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, पर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, पर दोस्तों आपको इसमें दूसरा पॉइंट लिखना है आठवें में। दोस्तों आपको दूसरा लिखना है, 3 दिए हैं आपको, तो ये आपका पहले का हो चुका है। दूसरे में आप पॉइंट में आपसे पूछा गया है कि स्पेक्ट्रम गुण पर भी आपको दोस्तों संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, तो ये आपका है दूसरे वाले का आंसर, तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। ये आपके दोस्तों दूसरे वाले का आंसर है। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। दोस्तों फिर आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे ये लिखना है। ये दोस्तों आपके प्रश्न क्रमांक 8वें में दूसरी टिप्पणी चल रही है, आपको 3 टिप्पणी लिखनी है, तो इसका आंसर दोस्तों फिर आपको इसके आगे इसे लिखना है, और दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फॉर नोट करते चलिए। और दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है। आई होप दोस्तों आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। दोस्तों आपको पर तीसरी टिप्पणी पूछी गई है आपसे त्रिबिंब रसायन की। त्रिबिंब रसायन की दोस्तों आपसे तीसरी टिप्पणी पूछी गई है, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपको प्रश्न क्रमांक 8 में दोस्तों 3 टिप्पणी लिखनी थी, तो मैंने आपको क्रम से बता दी है। पहले आपको दोस्तों आयनिक त्रिज्या की लिखनी है, दूसरी आपको स्पेक्ट्रम गुण की लिखनी है, और तीसरी दोस्तों आपको त्रिभुवन रसायन की लिखनी थी। तो मैंने दोस्तों आपको बता दी है दो, तो और तीसरी ये है दोस्तों आपकी त्रिभुवन रसायन की, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। दोस्तों अपने चैनल पर केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर का फुल सॉल्यूशन डल गया है। अगर अभी तक आपने दोस्तों पेपर फर्स्ट का फुल सॉल्यूशन नहीं देखा है, तो आप दोस्तों चैनल पर जाकर देख सकते हैं, एकदम आपके लिए फुल आंसर लाए जाते हैं दोस्तों, एक भी नहीं छोड़ा है दोस्तों, ना पेपर फर्स्ट में, ना दोस्तों सेकंड में, फुल आंसर है आपके लिए दोस्तों। इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें और फुल आंसर आप देखिएगा दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 8 कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको इसमें 3 टिप्पणी लिखनी, तो मैंने आपको तीनों टिप्पणी के बारे में बता दिया है।
अब दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 9। तो प्रश्न क्रमांक 9 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है, इसमें भी दोस्तों आपको दो प्रश्न करने हैं। प्रश्न क्रमांक 9 में भी दोस्तों आपको दो प्रश्न करने हैं, पहले ए नंबर का, फिर दोस्तों बी नंबर का दिया है। ए नंबर में दोस्तों आपसे पूछा गया है से संयोजक बंध को के सिद्धांत को लिखिए। दोस्तों आपका प्रश्न पत्र में थोड़ा गलत छपा है, और वहाँ लिखा है से संयोजक बैंड के सिद्धांत को समझाइए, लेकिन वहाँ दोस्तों बैंड नहीं, वहाँ बंध है, उसका उसमें बंद है दोस्तों। तो उसका राइट आंसर है, इसमें राइट क्वेश्चन उसमें से संयोजक बंध को सिद्धांत को समझाइए। तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्टली नोट कर लीजिए, ये आपको इसमें से संयोजक बंध को सिद्धांत को समझाना है, तो ये इसका आंसर है दोस्तों। इसमें दोस्तों आपको दो क्वेश्चन करने हैं, तो ये पहले ए नंबर का आपका आंसर है, नौवें के ए नंबर का, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे ये लिखना है, तो आप इसे भी फास्ट नोट कर लीजिए, पर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है। दोस्तों इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आपको इस प्रकार से नॉर्मल डायग्राम बना लेने हैं। इसके आगे दोस्तों आपको इस प्रकार से बनाना है, आपको दोस्तों नॉर्मल डायग्राम बनाने हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ एक बार, आप इस प्रकार बनाइएगा इसको दोस्तों, आपको इस प्रकार से बना लेना है इसको, आपको दोस्तों इस प्रकार से बनाइएगा और दोस्तों इसको इस प्रकार से बनाइए, तो आपको नॉर्मल तरीके से डायग्राम बना लेना है। तीसरे में भी आपको दोस्तों ये है, और दोस्तों आपको चौथा ये है पॉइंट। दोस्तों इसके आगे आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके आगे आपको दोस्तों इसमें से संयोजक बंध को सिद्धांत को पूरा बताना था, तो इसका आंसर है, तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। पर दोस्तों आपको दूसरी पूछी गई है प्रश्न क्रमांक 9 में दोस्तों, आपसे बी नंबर का क्वेश्चन है, मतलब दो क्वेश्चन पूछे गए आपसे इसमें। तो ए नंबर का दोस्तों पूछा गया था सहसंयोजक बंध को के सिद्धांत को समझाइए, तो मैंने दोस्तों आपका नौवें का ए नंबर का दोस्तों आपको जैसा कि बता दिया है, नौवें का ए नंबर का दोस्तों मैंने आपको बता दिया है। नौवें का दोस्तों बी नंबर का क्वेश्चन है, उसमें दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि समायवता को समझाइए, तो ये इसका आंसर है दोस्तों आपका नौवें का बी नंबर का आंसर है, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। आपको समायवता को समझाना है सर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। समायवता प्रधानता दो प्रकार की होती है, एक संरचनात्मक और दोस्तों एक स्थिरवे में समावयता। फिर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फार नोट कर सकते हैं। दोस्तों आप इसे अपने हिसाब से लगते, अगर दोस्तों आपको ज़्यादा बड़ा लगता है तो दोस्तों आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, जितनी उसमें शब्द सीमा पूछी गई है, तो आपको इसे आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपसे इसके आगे ये लिखना है, पर दोस्तों आपको इसे आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। पर दोस्तों आपको इसके आगे इसे लिखना है, श्रृंखला समायवता, प्रस्थान समायवता पूरे आपको बता सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 9 कंप्लीट होता है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, प्रश्न क्रमांक 10। तो दोस्तों आपसे प्रश्न क्रमांक 10 में पूछा जा रहा है कि लैंथेनाइड तत्व क्या है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखिए। तो मैं आपको दोस्तों इसका आंसर दिखा रहा हूं, तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। ये दोस्तों आपका आंसर, तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। दोस्तों आपको लैंथेनाइड तत्व को बताना है तथा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये इसका आंसर, तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। पहले दोस्तों दिया गया है लैंथेनाइड तत्व क्या है, तो ये पूरा आंसर। पर दोस्तों आपको बताना है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है लैंथेनाइड का, इसका आंसर ये, तो आप इसे फॉर नोट करते चलिए। इसके आगे दोस्तों आपको आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। दोस्तों अगर आप लिख नहीं पा रहे तो आप करें वीडियो को पुश करके आराम से लिख सकते हैं, और दोस्तों आप वीडियो को HD क्वालिटी में देखें, जिससे आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके आगे दोस्तों आपको आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये लिखना है, दोस्तों आपको फिर इसके आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको आगे इसे लिखना है, तो दोस्तों आप इसे फॉर नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फॉर नोट करते चलिए। दोस्तों आप शब्द सीमा के अनुसार अगर आपको जो ज़्यादा आंसर लगता है, तो दोस्तों आप शब्द सीमा को ध्यान में रखकर अपने हिसाब से लिख सकते हैं। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है, और दोस्तों आपको आगे लैंथेनाइड संकुचन बता देना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 10 कंप्लीट होता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि गैस जलीय विलायक पर निबंध लिखिए, तो ये इसका आंसर दोस्तों, तो आप इसे फास्ट ही नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। आई होप दोस्तों आपने इसे नोट कर लिया होगा। इसके आगे दोस्तों आपको आगे इसे लिखना है, तो आप इसे फास्ट नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखना है,
इसके आगे दोस्तों आपको इसे आगे ये लिखना है, तो आप इसे फार नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको ये तालिका बनानी है पूरी, आप इसे फार नोट कर लीजिए। इसके आगे दोस्तों आपको इसे लिखनी है, तो आप बता दीजिए दोस्तों कि जो गैस का जलीय विलायक है वो किस प्रकार से दोस्तों किस में कितना घुलता है, तो वो उसकी तालिका है। इस प्रकार से दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 11 भी कंप्लीट होता है। आई होप दोस्तों आपने इसे अच्छे से नोट कर लिया होगा। इस प्रकार से दोस्तों आपका केमिस्ट्री का सेकंड पेपर भी कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। लेट्स फाइंड जॉब्स दोस्तों आपके लिए लगातार मेहनत कर रहा है, आपके लिए दोस्तों इतनी मेहनत से आंसर ढूंढ के लाए जाते हैं, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा दोस्तों, आगे जो भी सॉल्यूशन की वीडियो डालेगी वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी और दोस्तों आप उस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करें जिससे आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और वो भी आपकी तरह पेपर आसानी से कर सकें केमिस्ट्री सेकेंड पेपर। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दोस्तों आप आगे किस सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहते हैं और दोस्तों आपको वीडियो किस प्रकार लगी। धन्यवाद।